मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, इसका विधान मान, इसका विधान मान, इसका विधान मान, पानी लाभ सही सीता।
आशा एक राम जी से, तुझी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से, तुझी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से, तुझी आशा छोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम सीता राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, 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 जाहि विधि रहिए। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। बज प्यारे तू सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। बज प्यारे तू सीता राम, बज प्यारे तू सीता राम। हरे राम
काम क्रोध मद लोभ मोह को बहाय चित्त सुनि हे बहाय चित्त सुनि हे राम नाम सुनि मन मीरा के प्रभु गिरधर राखे राम ताही विधि रहिए। ये एक समर्पण उन परमात्मा के चरणों में केवल एक सोचने मात्र जैसी चीज है कि उनके चरणों में उनके ध्यान में जो रस है जो आनंद है उससे जुड़े रहना है, उन्हीं की इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को ढालना है और ऐसा बनाएं कि हमारा जो जीवन है वो उनके परम आनंद से जुड़ा रहे और उसी के लिए उनके चरणों में दृढ़ विश्वास रखना और ऐसा मानना कि वो परमात्मा जो कुछ करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। एक स्टोरी आपने सुनी होगी, इट इज ऑल फॉर द बेस्ट, कि परमात्मा जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो वो एक राजा की एक उंगली कट गई कुछ काम करते हुए, तो राजा घायल हो गया और दर्द से कराह रहा था, ऐसा आपने सुना होगा कभी कहानी, और वो परेशान और दर्द से कराहने लगा तो उसका एक बड़ा प्रबुद्ध और अच्छा मंत्री जिसके ऊपर वो बहुत विश्वास करता था और जिसको वो बहुत लाइक करता था, उसने एकदम से कहा चलो अच्छा ही हुआ। राजा को बड़ा क्रोध आया कि वो वैसे ही पीड़ा में था और ऐसे वक्त पे ऐसी बात कोई कहे कि ये अच्छा हुआ, तो वो राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने उस मंत्री को जेल में डलवा दिया। लेकिन उसके कुछ समय बाद राजा जंगल में शिकार के लिए एक बार गया कुछ अपने घुड़सवारों को साथ लेकर के, और चलते चलते वो रास्ता भटक गया और रास्ता भटकने के बाद अकेला जब जा रहा था तो वो थोड़ी देर बाद घोड़े से गिर गया। तो तभी कुछ देर बाद वहां पर जंगली शेर वहां पर आया और उसने उस राजा की उसी कटी हुई उंगली को सूंघा और उसको लगा कि ये तो पहले से ही घायल है या मरा हुआ है। तो ऐसा सोच करके उस शेर ने उस राजा को छोड़ दिया। तो जब राजा उसके बाद उसकी तंद्रा जागी और वो ठीक स्थिति में आया तो उसको वही बात याद आई कि जब उसकी उंगली कटी थी तो उसके मंत्री ने कहा था कि चलो अच्छा हुआ। तो उसको लगा कि मंत्री बिल्कुल ठीक कहता था, आज इसी कटी हुई उंगली के कारण मेरे प्राणों की रक्षा हुई। तो उसने वापस आकर के अपने उस मंत्री को बहुत सारे उपहार दिए, जेल से बाहर निकलवाया और बहुत सारे उसको उपहार दिए और क्षमा मांगी। उसके बाद अपने अच्छे मंत्रियों में उस मंत्री को अपने अच्छे पद पे सम्मानित किया। तो ये वास्तविकता है
हमें अपनी बुद्धि से लगता है कि शायद हमारे साथ ये कुछ गलत हो गया, या हम ऐसा कर सकते थे या क्या कर सकते थे, लेकिन हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारी सामर्थ्य के अनुसार और जैसा हमारा सोच होती है उसके अनुसार जो बेस्ट हो सकता है, जो अच्छे से अच्छा हो सकता है, वही परमात्मा हमारे लिए करते हैं। तो इतना शक्ति है परमात्मा के नाम में ही कि एक भजन जानकी नाथ सहाय करे, आपने सुना होगा, जानकी नाथ भगवान राम, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। इस संसार में कौन सी शक्ति ऐसी है जो आपको दुख दे सकती है या आपको परेशानी में डाल सकती है, अगर वो शक्ति, वो परमात्मा आपके साथ है। तो हम ज्योतिषों के पास भी जाकर के अनेक अनेक प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, लेकिन उसमें पंक्ति लिखी है कि सूरज मंगल भौम भृगु सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नाही गम्यता, संग शनिश्चर होए उचेरो, जानकी नाथ सहाय करे। जब वो परमात्मा हमारी सहायता करते हैं, हम पे कृपा करते हैं, हम पे अनुकूल होते हैं, तो जो सारे ग्रह हैं वो अपने आप से ही हमारे अनुकूल हो जाते हैं। तो ऐसे कृपालु भगवान जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमारा हमारा केयर करते हैं, हमारी ध्यान करते हैं, उनके चरणों में प्रीति जगे, ध्यान लगे, ऐसा ही प्रयास हमें जीवन में करना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ मोह बहाय चित्त सो दीजे, मनवा राम नाम रस पीजे। यही बाधाएं हैं जीवन में, काम क्रोध लोभ मोह, जिनके कारण हम अपने परमात्मा से विमुख होते हैं, और केवल भक्ति और प्रेम से हम परमात्मा से संलग्न हो सकते हैं, उन उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। अगर हमें ये अपने ऊपर हम कार्य करें, अगर हम अपने ऊपर ये कार्य करें कि हमें देखना है कि किस तरह से ये माया जो भगवान की है वो हमें अनेक रूपों से नाच नचाती है। एक भजन भी सूरदास जी ने लिखा इसके ऊपर कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। तो सूरदास जी ने अनेक प्रकार से भगवान से प्रार्थना की कि ये जो माया है इससे, वो भगवान से कहते हैं कि इससे मुक्ति दिलाइए और अपने चरणों में प्रीति लगे, ऐसा मार्ग, ऐसी दिशा भगवान से उन्होंने मांगी।